जो भी विद्यार्थी टिकटे हुए हैं वह बिना पुलिस प्रशासन के अनुमति के महाविद्यालय से बाहर गलत नहीं निकालेंगे। यदि गलत निकालने के बाद पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई करता है तो वह उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। निगरानी समिति ने भी स्पष्ट है कि महाविद्यालय के बाहर आप जलूस इत्यादि नहीं निकालेंगे। अतः एक दो दिन बाद पुलिस प्रशासन से परमिशन लेके ही जलूस निकाला जाए। कमल तेरी लाइफ। खेजवाल जी हैं और कर्मचारी हैं गड़िया जी, साथ में गड़िया जी भी हैं। लाइव दिखा रहे हैं बंधु। लाइव चल रहा है क्या? बड़ा रोचक, भी बड़ा रोचक नतीजे रहे इस बार लगातार, जो कि एबीपी एनसीआई सुनता साफ हो गया है। इन्हीं से रिपोर्टर हिमांशु गड़िया जी से सुनते हैं इस बार के रुझान और जो परिणाम आए उसके। परिणाम आए इस बार एनसीआई और एबीपी को लग रहा था कि हम इस बार जरूर जीतेंगे, ऐसा हुआ नहीं। लगातार दो साल से निर्मली प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बागी सिंह के छाप सिंह की राजनीति में ये अंतर देखा जा रहा है। हालांकि कपकोट और गरुड़ में एबीपी का कब्जा रहा, अध्यक्ष पदों में अनुमोड़ा में रहा, लेकिन अब देखने वाली है। अब आगे हल्द्वानी डिग्री कॉलेज जो कि बड़ा उसका महाविद्यालय है वही आगे राजनीति तय करेगा। आगे जो बागेश्वर महाविद्यालय का छात्रों का भविष्य है, एनसीआई है और एबीपी है, तमाम संगठनों का जो असर हुआ है ये आगे चुनाव में क्या होगा वही देखने वाली बात है। अभी तक आपने इनको देखा होगा पर्दे के पीछे से और आज हमने पर्दे के आगे से इनको दिखाया है और आज हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये आपके सामने वक्तव्य दे रहे हैं। हर महाविद्यालय की मैडम है लोग